जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है अभिजीत कुमार। जैसे कि आप सब जानत हो, अब आप मन के एक बार फिर से स्वागत है आप मन के अपन के छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार के चैनल में, जिसका नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो चलो सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करती है, उसके बाद आप मन लगातार फटाफट छत्तीसगढ़ के 20 बड़े प्रादेशिक समाचार आप मन बताबो, जिन आप मन जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलो सबसे पहली बड़ी खबर में आप मन बता दें, खाले पहली हमारे एक ठन छोट कर रिक्वेस्ट है संगवारी हो कि अगर आप मन हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी हुई है तो चैनल तुरंत से सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद बेल आइकन दबा के आल नोटिफिकेशन ल जरूर से ऑन कर दिया, ताकि छत्तीसगढ़ की सबसे पहली न्यूज आप बनती सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गणेशोत्सव का रंग इस बार पड़ सकता है फीका, क्योंकि इस महामारी संकट के बीच बड़ी है जो बड़ी मूर्तियों की मांग है जो घट चुकी है, साथ ही साथ मूर्तिकारों के पास फिलहाल अभी कोई भी काम नहीं बचा हुआ है। जी आपको बता दें कि देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन इस बार इस महामारी के बीच चल रही तैयारियों ने जहां तहां एक तरफ मूर्तिकारों के व्यवसाय को प्रभावित तो किया ही है, साथ ही साथ वही प्रदेश भर में गणेशोत्सव के रंग फीके पड़ने वाले की संभावना जताई जा रही है, यानी कि इस बार गणेशोत्सव का रंग फीका पड़ सकता है। वहीं इस बार लोगों को बप्पा का दिव्य स्वरूप नहीं बल्कि छोटे छोटे रूपों में दर्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मृत्यु भोज का जो सिलसिला है वो लगातार बंद हो जाए, तो ऐसे में घर में हो रहे कर्मकांड समाज आगे आए तो हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है यह प्रथा। जी आपको बता रही कि मृत्यु पर गम बांटिए, लेकिन सामाजिक बदलाव के कारण जो दैनिक भास्कर की एक टीम है जिस पर समाज के साथ एक पहल की गई है, जहाँ पर पंडे पुजारी भी मानते हैं कि 13वीं जैसे कार्यक्रमों में भोज का कोई धार्मिक आधार नहीं है, यानी कि जो पंडित पुजारी हैं वो भी मानते हैं कि 13वीं जैसे कार्यक्रमों में जो मृत्यु भोज होता है तो उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है, ऐसे में एक ब्राह्मण का भोजन कराना ही पर्याप्त माना जा रहा है। जी आपको बता दें कि मृत्यु भोज यानी कि दुख में डूबे परिवार के यहाँ सैकड़ों लोगों का समागम, लेकिन इस महामारी के कारण जो लॉकडाउन है इस दौरान जो है कुप्रथा को अघोषित रूप से ब्रेक लग गया है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अब भी चंद लोगों की मौजूदगी में सादगी से भरे सभी कर्मकांड हो रही रहे हैं, ऐसे में कई समाज भी इस मामले में पहल कर रहे हैं। सभी समाज इस बारे में निर्णय ले तो यह कुप्रथा हमेशा के लिए बंद हो सकती है, यह मुहिम फिलहाल छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत पहले चरण में 49 कार्यों के लिए 4.95 करोड़ यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति। तो वही आपको बता रही कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत प्रदेश के पहुंच विहीन शासकीय भवनों को पक्की सड़क से जोड़ने के पहले चरण में 49 कार्यों के लिए 4,95,58,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता और लोक निर्माण विभाग ताम्रध्वज साहू की पहल पर इस योजना का शुभारंभ पिछले माह 19 जून को किए गए थे। इसके बारे में हमने आपको सबसे पहले खबर भी बताई थी कि सभी शासकीय जो भी भवन है सरकारी भवन है उनको पक्की सड़क से जोड़ने का जो काम है वो शुरू होने वाला है, तो इस पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इस पर जो राशि भी है वो स्वीकृत कर ली गई है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता रही है कि छत्तीसगढ़ में सोलर एनर्जी से जल्द चलेगी ट्रेनें, तो वहीं एक साल में इससे बचने वाले हैं 360 करोड़ रुपए। जी आपको बता रही कि सोलर पावर प्लांट लगने से 2.09 रुपए प्रति यूनिट की लागत आएगी बिजली की जो खर्च है, जिससे लगभग 1.70 रुपए का सभी लोगों को फायदा होने वाला है प्रति यूनिट बिजली में। जी आपको बता दें कि रायपुर रेलवे मंडल अब सोलर पावर एनर्जी से ट्रेन चलाएगा, साथ ही साथ रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि REMCAL की मदद से यह निर्णय किया गया है, जबकि भिलाई स्थित चरोदा में चेन्नई की जो कंपनी की मदद से 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है, जबकि 122 हेक्टेयर जमीन चेन्नई की कंपनी को 27 साल के लिए लीज पर दी गई है। साथ ही साथ कंपनी ने इस काम को करने के लिए 2 साल का समय लिया है और मार्च 2021 से सोलर पावर एनर्जी से ट्रेन चलाने की संभावना फिलहाल छत्तीसगढ़ में जताई जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ यह वीडियो हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक अपने फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी यह जानकारियां लगातार प्रतिदिन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राज्य में जो मौसम है, तो प्रदेश में जो भारी वर्षा के कारण जो आसार हैं, यहां आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि प्रदेश में कई जगहों पर भारी वर्षा के आसार तो जताए ही गए हैं, साथ ही साथ सावन में उफान पर जो है अमृत
धारा पहुंच चुकी है। जी हां, प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए भारी बारिश के बाद हसदेव नदी उफान पर है। ऐसे में वहीं अमृत धारा जलप्रपात भी रौद्र रूप ले चुका है। ऐसे में इस महामारी के चलते सभी पिकनिक और पर्यटन स्थल पर धारा 144 लागू है, जिसके कारण से बारिश के दौरान कम संख्या में लोग अमृत धारा जलप्रपात की खूबसूरती देखने पहुंच रहे हैं। वहीं दुर्घटना रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कोई भी इंतजाम फिलहाल अभी नहीं किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारी वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ के कई नदी नाले अभी फिलहाल उफान पर हैं। ऐसी लगातार हर एक दिन खबरें भी आती रहती हैं कि इसमें डूबकर के जो भी व्यक्ति हैं वो बह चुके हैं। तो इसका रिलेटेड जो खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर एक राहत भरी खबर आई है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर 40,339 प्रवासी क्वारंटीन अवधि को पूरा कर अपने घर लौट चुके हैं। साथ ही साथ 1,546 सेंटर हो खाली भी किया जा चुके हैं। जी हाँ, राजनांदगांव से सिर्फ आई है, जहां पर लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में काम करने गए 41,792 लोग जिले में लौटे हैं। इन्हें जो है गांवों में पहुंचते ही क्वारंटीन कर दिया गया था। तो ऐसे में सरकारी भवनों, स्कूलों व सामाजिक भवनों में इन्हें 14 दिन तक ठहराया गया था। जबकि राहत भरी खबर यह है कि इनमें से 40,339 प्रवासी क्वारंटीन की अवधि को पूरा कर अपने घर जा चुके हैं, जो अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। यानी कि सिर्फ राजनांदगांव जिले में ही 41,000 लोग अपनी क्वारंटीन अवधि को लगभग पूरा करके अपने घर लौट चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दी, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उनको भी यह जानकारियां लगातार पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें, जहाँ पर एक सुविधा निकलकर सामने आई है, जहाँ पर आपको बता दें कि सुविधा ये है कि 11 तारीख को यानी कि आने वाले दिन में ई लोक अदालत का आयोजन होगा, साथ ही साथ कोर्ट से इसका आवेदन ले सकेंगे। जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देश पर 11 जुलाई को विशेष छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, राम जीवन देवांगन कार्यवाहक जिला न्यायाधीश द्वारा विशेष ई लोक अदालत के आयोजन के संबंध में बताया गया कि जिला न्यायालय दुर्ग के न्यायाधीशगणों की बैठक को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसमें ई कोर्ट के माध्यम से होने वाले लोक अदालत में राजीनामा के लिए आवेदन जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सदन दुर्ग से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि केंद्र से जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज न बुलाए शिक्षकों और स्टाफ को। जी हां, केंद्र सरकार ने जो स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में स्कूल हो या कॉलेज, स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सचिव सुश्री अनीता करवल ने 6 जुलाई को सभी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनलॉक गाइडलाइन 2 की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। ऐसे में पत्र में लिखा गया है कि 31 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में यथासंभव स्कूल कॉलेज स्टाफ को भी घर पर रहकर ही काम करने की सुविधा देने के लिए कहा गया है, यानी कि उनको जो भी ऑफिस है वहां ना बुलाया जाए, ऐसा कहना है केंद्र का। जी हां, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर मरवाही उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है, कांग्रेस की घेराबंदी से सियासी माहौल जो है गर्म हो चुका है। जी हां, एक बार फिर से जाति संबंधी दस्तावेजों के साथ अमित जोगी को 10 जुलाई को छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि मरवाही उपचुनाव की अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सत्ताधारी दल कांग्रेस ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री मरवाही विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद से ही कांग्रेस यहां पर सक्रिय हो गई है। साथ ही साथ पिछले 15 दिनों में यहां आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों व इतने ही विधायकों का यहां दौरा हो चुका है। साथ ही साथ इससे जो सियासत है वो गर्मा गई है फिलहाल मरवाही उपचुनाव को लेकर। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर खबर आई है कि इस महामारी के कारण जो सब्जियों के रेट है, कीमत है, वो आसमान छू रहे हैं। जी हां, बाहरी आवक पर ट्रक भाड़ा तो स्थानीय आवक पर बारिश पड़ रही है भारी। जी हां, कुछ कारणों की वजह से, जैसा कि हम आपको माल भाड़ा में 15% की बढ़ोतरी है, इससे रिलेटेड खबर हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया हुआ है, जहां पर सीधे माल भाड़ा में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे 15% तो ऐसे ही रेट बढ़ जाता है सब्जियों को, तो सामान्यतः मानसून के दौरान जो सब्जियों की कीमत है वो उसमें कमी आती है, लेकिन इस बार स्थानीय आवक कम होने की वजह से और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से, और हम आपको जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो माल भाड़े में 15% की बढ़ोतरी हुई है, तो इन सभी कारणों की वजह से जो सब्जियों का रेट है वो बहुत ज़्यादा स्तर पर पहुँच चुका है, देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और बता देना चाहते हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान 70-80% सब्जियां हैं वो फिलहाल बाहर से आ रही हैं। ऐसे में ट्रकों के जरिए होने वाली सप्लाई में डीजल के दामों में बढ़ोतरी का असर लगातार देखने को मिल रहा है।
दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें, जहां पर खबर आई है कि अब बिलासपुर भी जुड़ेगा देश के प्रमुख हवाई सेवा सुविधा वाले शहरों से सीधे। जी हां, एयरपोर्ट निरीक्षण के बाद विधायक जो शैलेश पांडे हैं उन्होंने शैलेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सपनों को साकार किया है। जी हां, बिलासपुर नगर विधायक शैलेश पांडे ने आज चक्करभाठा स्थित एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों से मिलकर उन्होंने कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, जहां पर विधायक ने जोर दिया है कि कहा है कि एयरपोर्ट की सौगात जल्द से जल्द बिलासपुर वालों को मिले, साथ ही साथ इसे छत्तीसगढ़ में ये दूसरी जो एयरपोर्ट की सुविधा है वो उपलब्ध होने वाली है आमजनों के लिए। तो दोस्तों इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक अब जो है 3 बार सर्वेक्षण होगा, साथ ही साथ शहरवासियों की राय पर तय होंगे रैंक। जी हां, शहरी क्षेत्रों में सफाई का हाल जानने के लिए नहीं आएगी नई दिल्ली की कोई भी टीम, साथ ही साथ दिल्ली से ही लोगों को फीडबैक लेंगे। जी हां, अब शहरवासियों की राय पर जो स्वच्छता रैंक जो है वो तय होने वाली है, साथ ही साथ सफाई का हाल जानने के लिए नई दिल्ली की टीम जो फील्ड में पहुंचती थी वो अब यहां नहीं पहुंचेगी। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए सफाई सर्वे का सिस्टम बदल दिया गया है, जो जिले के अब सभी 8 नगरीय यानी शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। साथ ही साथ दिल्ली से हर 3 महीने में आने वाली जो सर्वेक्षण टीम है वो अब न तो सड़कों पर और न ही नलियों की सफाई का सिस्टम देखने फील्ड में उतरेगी, न ही कचरा कलेक्शन का सेंटर देखेगी, बल्कि अब जो है शहरवासियों की जो रेटिंग है इस स्वच्छता सर्वेक्षण पर वो निर्धारित करेगी जो शहर का रैंक है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता रही कि UGC ने जारी की गई है नई गाइडलाइन जिसके मुताबिक कॉलेज के 15,000 स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए सितंबर तक करना होगा इंतजार। जी हां, वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर अब भी संशय बरकरार है, जबकि कॉलेज के वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर जो है ये एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें देश व राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन परीक्षा का आयोजन का रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में यही कारण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने एक बार फिर से परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक अब छात्रों को सितंबर माह तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता रही कि 30 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, श्रवण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षा सूत्र बांधेगी बहनें। जी हां, इस बार रक्षाबंधन यानी कि 3 अगस्त पर दुर्लभ संयोग भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधेगी। पंडितों के अनुसार जिस घड़ी और नक्षत्र का काफी इंतजार रहता है वैसा ही संयोग लगभग इस बार बन रहा है। ऐसे में सावन मास के आखिरी सोमवार को पूर्णिमा तिथि है, इसी दिन श्रवण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग भी का विशेष संयोग जो है वो बन रहा है। ऐसे में जो विशेष फलदायी माना गया है ये जो संयोग है, ऐसा संयोग कभी कभार बनता है, अर्थात सुबह 9:30 बजे से दिन भर रक्षाबंधन का इस बार शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो दोस्तों आज की अंतिम खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि CM बघेल ने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का जाना हाल, बोले इस वक्त बुजुर्गों के लिए सुरक्षित रहना सबसे बड़ी जरूरत। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के 7 जिलों में स्थित जो वृद्धाश्रमों के बुजुर्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा है, साथ ही साथ बुजुर्गों के स्वास्थ्य वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली है। और मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से कहा है कि इस महामारी के कारण जो वैश्विक महामारी है इसके कारण रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन आ गया है, ऐसे में आज की सबसे बड़ी आवश्यकता इनके सुरक्षित रहने की है। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनी सच चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही न्यूज़ हम आप तक सबसे पहले आप ही को देते रहें। तो दोस्तों आज आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि यह जो वीडियो है आप हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक अपनी मदद के माध्यम से जरूर पहुँचाइए। दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।